बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मौसम की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि 31st नाइट से जो है जो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो आने वाला है और उसकी वजह से जो मौसम आपके उत्तराखंड में भी वो बदलेगा। तो जो उसका जो प्रभाव है खासकर वो 1 और 2 तारीख को ही दिखने वाला है जनवरी में, और 1 और 2 तारीख को अच्छी बारिश और बर्फबारी ज्यादातर जगहों में आप जो है उत्तराखंड में 1 और 2 तारीख को देखेंगे। जहां तक बर्फबारी का सवाल है तो 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें रहेगी, और जो रेनफॉल एक्टिविटी और जगहों में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। तो ये मैं कहूंगा अच्छी स्पेल है, जैसे आपने 12-13 में पिछले दिसंबर में देखी थी तो उसी तरह की स्पेल ये भी है। और मैं समझता हूँ जो स्नोफॉल इस बार जो मिलेगी और थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड तक आ जाएगी, अल्टीट्यूड वाइज बात करें तो उसमें जो जैसे मसूरी है या चकराता है इन एरियाज में भी मिलनी चाहिए, जो कि थोड़ा पिछली बार थोड़ा उनकी जो आसपास की चोटियां थी उनमें थी, एकदम इन एरियाज पर नहीं मिली थी, तो इस बार मैं समझता हूँ वहां पे ये मिलनी चाहिए। और साथ साथ में इसी तरह जैसे कुमाऊं में है तो उसमें नैनीताल है या आपका जो मुक्तेश्वर है उनमें भी अच्छी बर्फबारी वो मिलने वाली है। तो 1 और 2 तारीख को बिल्कुल है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका अच्छा प्रभाव जो है प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छी बारिश और बर्फबारी है तो पर्यटकों के लिए भी अच्छा है और कृषि और बागवानी के लिए भी बहुत अच्छा है। 3 तारीख से मौसम जो है फिर साफ होना शुरू हो जाएगा, और 4-5 में आप ये देखेंगे जो फॉग वगैरह है वो फिर से जो प्लेन्स में आ जाती है, एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है तो रियर सेक्टर में जो है फॉग कंडीशन बनती है, तो उसकी वजह से जो प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो कोल्ड डे कंडीशन टाइप सिचुएशन है वो फिर से आपको देखने को मिलेगी। और 1 और 2 तारीख में भी क्योंकि बारिश भी होगी बर्फबारी भी होगी क्लाउडिंग पूरा छाई रहेगी, तो उसकी वजह से आप देखेंगे जो दिन के तापमान है खासकर वो कम रहने वाले हैं, तो कोल्ड डे कंडीशन 1 और 2 तारीख में भी आपको देखने को मिलेगी।